आए थे? हाँ। स्कूल में क्या क्या सब्जी मिला था आज? आज गुलाब बाग। या जबरदस्त, आप लोग का छुट्टी हो गया। मैं ग्राम पिपरिया में रुका हुआ था, अभी डोंगरगढ़ जाऊंगा यहाँ से। तो अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, तो ये गांव की रहन सहन और यहाँ की जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी लोग नाइट में मिलने के लिए भी आ गए थे। और यहाँ पैरा सबको मतलब खेत के पास संजो कर रखते हैं। ये भैया गाड़ी धो रहे हैं। या ये गांव के बाबा मन बैठे हैं बढ़िया और मजे ले थे। ये पिपरिया गांव के जवान लोग हैं। ये हमारे देश को शिखर पे लेके जाएंगे, नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे और पेड़ पौधा भी लगवाएंगे और लगाएंगे भी। क्यों लगाओगे ना? क्या जब सुबह होता है तो सबके घरों में रोटी पीठा और भात दाल और सब्जी बनता है। जी भैया, मैं ले लूँगा रायगढ़ जी, हाल छत्तीसगढ़। हाँ, ये माताएं हैं जो अभी काम के लिए जा रहे हैं। ये धान वगैरह बिंडा वगैरह बनाएंगे अभी और बांध के लाएंगे खेत में, अभी काम करने के लिए जा रहे हैं। या आज मुझे जाना है डोंगरगढ़, और डोंगरगढ़ यहाँ से है 47 किलोमीटर। तो अभी बज चुके हैं 8:45 और मुझे जाना है डोंगरगढ़। मैं जाऊँगा डोंगरगढ़ की तरफ और यहाँ से 47 किलोमीटर है। ये खैरागढ़ बिहार न्यायालय है, ये खैरागढ़ बिहार न्यायालय और एक खैरागढ़ सिटी का एक छोटा सा प्ररूप। विश्राम गृह यहाँ का खैरागढ़ का। या यहाँ लोग डेली यूज भी साइकिल करते हैं, ये वर्क पे जा रहे हैं काम पर और साइकिल से जा रहे हैं। खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय और काफी चित्रकलाओं की मूर्ति वगैरह बनता है, चित्रकला वगैरह होता है, पेंटिंग्स होता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा करके कलाकृति यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये देखिए, नहीं आड़ा टेढ़ा नहीं, ये हमारे आने वाले भविष्य के युवा हैं जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफ़ी चिंतक हैं। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को एग्जाम्स के लिए, वेलकम। तो आप लोग हमारे युवा हो और आप लोग देखो स्कूल जाते हो साइकिल से, काफी लोग बाइक से जाते हैं, उससे क्या होता है प्रदूषण। कम से कम हमारी युवा पीढ़ियों को समझ में आना चाहिए स्कूल जाते टाइम कि बाइक का उपयोग ना करें, प्रदूषण मुक्त रहें, साइकिल वगैरह से जा सकते हैं। या थे स्कूल में क्या क्या सब्जी मिला था आज? आज गुलाब बाग। या जबरदस्त, आप लोग का छुट्टी हो गया, आप लोग का छुट्टी हो गया। हाँ। तो आज स्कूल के दौरान मैं काफी स्कूलों पे विजिट किया, तो ये भाई लोग अभी अगले स्कूल से मिलके मेरे साथ साइकिल राइड कर रहे हैं। तो आप लोग को ध्यान
देना है कि हमारा जो युवा है बहुत सजग है पर्यावरण के प्रति। ये हमारे छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया हवे ना, छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया। स्कूल में लेके गीस वहाँ मोटिव वगैरह करे में है लड़का बच्चा मन ला बच्चा मन संग रूबहू रूबरू मुलाकात भी होइस। स्कूल के टीचर्स वगैरह मंग रहीन सब रहीन बढ़िया लागिस मोला। छत्तीसगढ़ में एक खैरागढ़ ऐसे क्षेत्र है जिन क्षेत्र में बहुत अच्छा अच्छा आदमी में रहते हैं। ये शहर ये सिटी ये गांव देहात सब बहुत मस्त जगह है और इला एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय माना गिसे आओ हे भी हमारे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा खैरागढ़ क्षेत्र हरे खैरागढ़ हरे जहाँ कलाकृति संगीत पेंटिंग काफ़ी चारा सारा चीज़ ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से स्कूल के माध्यम से सिखाया जाते जाना जाते और बहुत अच्छा लगिस मोला। यहाँ के आदमी मल्ला मिले बहुत अच्छा रिस्पांस मिली यहाँ मोला और पर्यावरण के प्रति बहुत सजग हैं यहाँ के आदमी मन। और एक सर है तो रात कन मिले आगे रही से रात के 8 बजे ठंड के समय में और रात के आगे रिस मिले बार मोट करा पिपरिया हर्ष भैया के घर में रुके रहे मैं रात के। बहुत अच्छा लगी मोला ओकर फैमिली पापा मम्मी एक बहन हर्ष भैया और बड़े भैया जबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ में ही है बस्तर के एक थाना क्षेत्र है ब्लॉक है जबलपुर ब्लॉक वहाँ डिप्टी करते टीचर है पापा भी टीचर हैं उनके। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उनके परिवार से मिल करके मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। रात्रि विश्राम मेरा उनके यहाँ हुआ और खैरागढ़ वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद है आप लोगों को और मैं आप लोगों का सदैव आभारी रहूँगा। ऐसा करके मैं आज पूरे स्कूल वगैरह में जा करके अभी मैं खैरागढ़ से डोंगरगढ़ की तरफ माँ बम्लेश्वरी मंदिर दर्शन करने के लिए आगे सीधा जाएंगे तो डोंगरगढ़ बगल से इधर लेफ्ट में यहाँ से जाएंगे तो प्रकाशपुर और इधर राइट में जाएंगे तो मुड़ीपार और ये मैं जिधर से आ रहा हूँ वो खैरागढ़। तो मुझे तो डोंगरगढ़ की तरफ जाना है सीधा। यहाँ के हरा भरा पेड़ पौधा यहाँ की खेती को देख के मुझे तो बहुत ही खुशी और मन प्रसन्न गदगद हो जाता है मेरा मन गदगद हो जाता है। हाँ या खपरी सिरदार गांव है ये और ये सिरदार गांव का स्कूल प्रधान पाठ बैराज परियोजना 10 किलोमीटर बाद लग जाएगा मैं पहुंच जाऊंगा। मैं अभी भंडारपुर पहुंच चुका हूं और यहां एक करेला भवानी गांव है और भंडारपुर में मैं अभी माता मंदिर की तरफ अभी जाऊंगा तो अभी मंदिर दर्शन करके यहाँ से जाऊंगा। माँ भवानी का मंदिर यहाँ से एक गेट प्रवेश द्वार से अंदर जाना है। मैं साइकिल यहाँ खड़ा कर दिया हूँ अभी मैं यहाँ थोड़ा बैठूंगा। यहाँ का चेयर का डिजाइन देख के बड़ा बेहतरीन है ये देखिए। या मैं बैठ के अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा फिर चलूँगा। 250 और सीढ़ी है
दद्दा आज तो डोंगरगढ़ नहीं पहुंचे पाँव काय में है। लेवा दीदी तुम्हें बैठा है, चलते धीरे धीरे आवा था क्या। बड़ा मस्त लगता है जब जंगलों में चिड़िया चहचहाती है। मुझे तो गांव में जब गौरेला वगैरह चिड़िया रहती थी तो वो सब अच्छा लगता था। आजकल गांव में चिड़िया भी देखने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चिड़िया ऐसा, अब उनकी जो प्रजाति है वो प्रजाति विलुप्त तो होते जा रही है। ये सब प्रदूषण और ये वातावरण के कारण ही है जो हमारा जल जीव और ये वन्य जो प्राणी हैं वो भी मतलब विलुप्त तो होते जा रहे हैं। पेड़ पौधा कट जा रहे हैं तो ये सब जानवर जो हैं समाप्त होते जा रहे हैं। ये जंगल जब नहीं रहेंगे, हमारा जो मानव सर्कल है वो बचेगा नहीं। ये पेड़ पौधा अगर रहेगा, जंगल सब रहेगा तो अच्छा लगेगा, सुंदरता भी रहता है, अच्छा भी लगता है हरा भरा। और जो बचे हुए जीव हैं वो बचे रहें ताकि आने वाला समय में हमारा जो जीवन सर्कल है सही रूप से चले। दीदी मन नगर गांव के और रायपुर का ना है, उनका अमन के गांव है, बाद में जहां मैं रायपुर ये डहर ठेलका डीही जाता है, ये वाला 19 किलोमीटर ठेलका डीही का, और इधर जाना है डोंगरगढ़। मुझे यहाँ से समथिंग 12-13 किलोमीटर 14 किलोमीटर इधर और आगे जाना है। यहाँ से डोंगरगढ़ के लिए सिर्फ 12 किलोमीटर बचा है और अभी बजे हैं 4:45। तो 4:45 हो चुका है और मुझे डोंगरगढ़ तक जाना है आज। चलिए चलते हैं डोंगरगढ़ की ओर जल्दी से, शाम ढलने जा रहा है। मैं आज माँ भवानी करेला मंदिर भी मैं दर्शन किया वहाँ और फिर अभी जा रहा हूँ। यहाँ बोर्ड में लिखा है दरे कसा और हम अभी दरे कसा देव कट्टा। यहाँ से डोंगरगढ़ 5 किलोमीटर है और मैं पहुँच ही गया हूँ डोंगरगढ़ समथिंग। ये डोंगरगढ़ के इलाका है और डोंगरगढ़ मैं पहुँच चुका। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है डोंगरगढ़। धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़, मैं अब डोंगरगढ़ पहुंच चुका हूं और डोंगरगढ़ नगरी में अभी प्रवेश भी कर लिया हूं डोंगरगढ़ नगरी में प्रवेश भी कर लिया हूं। और ये डोंगरगढ़ हमें काफ़ी चीज़ सीखने देखने जानने को मिलेगा डोंगरगढ़ के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या देखने जानने को मिलता है। मैं रात में पहुंचा हूं अभी माँ बम्लेश्वरी की नगरी में, आज डोंगरगढ़। आप ऊपर देख रहे हैं ये